चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा नाश्ता जिसे भी खिलाएंगे ना वो खाता ही रह जाएगा, और बच्चे तो खास तौर पे, उन्हें पिज्जा पास्ता सारे मजे घर की रोटी से और सब्जियों से, यानी हेल्दी सब्जियां खिलाइए और बच्चे भी खुश, और बहुत टेस्टी नाश्ता बनाइए, आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किसी बाजार की सॉस की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर लिया है। ऑयल और बटर मिला के लेने से बटर जलता नहीं है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के लगभग बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। जब 10 सेकेंड तक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ी सी बारीक काटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। सब्जियां तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हैं, जो सब्जी आप बच्चों को खिलाना चाहते हो ना उस सब्जी के साथ ये रेसिपी आप उनको खिला सकते हैं। मेरी गारंटी है सबको बहुत पसंद आने वाली है। अब डालेंगे इसमें 1/2 कप के लगभग बारीक चॉप किया हुआ प्याज। बस ये ध्यान रखें कि सब्जियां अच्छे से बारीक चॉप कर लें। थोड़ी सी मेरे पास लाल शिमला मिर्च पड़ी थी, 1 बारीक काटी हुई मैंने गाजर डाल दी, और 8 से 10 बीन्स को मैंने बारीक काट लिया था। थोड़े से मैंने इसके अंदर बॉइल्ड कॉर्न डाल दिए। बच्चों को कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं ना, स्वीट कॉर्न खाना या पिज्ज़ा खाना, तो आज उनको सारा ही टेस्ट आ जाने वाला है। बच्चे ही नहीं, आपके घर में अगर रोटियाँ बच गई तो उसका इससे बढ़िया तो कोई इलाज है ही नहीं। और साथ में डाल दीजिए उनकी सेहत के लिए थोड़ा सा पनीर। 100 ग्राम के लगभग पनीर के मैंने छोटे क्यूब करके डाला है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो, 1 चम्मच मिक्स पर हर्ब डाली है, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। अगर कोई भी मसाला आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप अपने घर के मसाले डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसमें 2 खास चीज़ें डाल देंगे ना तो बच्चे तो बस उसी का टेस्ट लेते हैं, मसालों का उनको पता ही नहीं चलता। तो आप अपने घर से हल्दी, जीरा, नमक यही सब मसाले डालिए, तब भी ये बहुत बढ़िया बनती है। अब फिलिंग तैयार है, इसको हम साइड में रख देंगे। पहली सीक्रेट चीज़ डालते हैं, वो क्या है, चीज़। सबसे ज़्यादा इसमें डालना है हमें मोज़रेला चीज़, और मैंने इसमें बहुत सारा 1/2 कप के लगभग मोज़रेला चीज़ डाल दी है। आपके पास अगर ग्रेट चीज़ ये स्लाइस ना हो तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब टमाटर लेंगे, और मैंने 4 से 5 बड़े बड़े टमाटर, उनको मैंने बीच में से हाफ कर दिया और ऊपर का हिस्सा जो छिलके वाला होता है वो निकाल दिया। अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके और हल्का सा इसको चिकना करके इन्हें 5 से 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट में टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे। एक बार आप चाहें तो बीच में इस तरह से इनको पलट सकते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। जब 10 मिनट के अंदर बिल्कुल लो फ्लेम पे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे, और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो ये देखिए इनका छिलका अपने आप ही उतार रहा है। हम आराम से सारे टमाटरों पे से छिलका उतार देंगे, क्योंकि इस सॉस के अंदर हमें जो छिलका है उसकी ज़रूरत नहीं। इस तरह से टमाटर जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट भी हो गए हैं, और मैंने बिल्कुल हल्का सा 1/4 चम्मच के लगभग मक्खन में इनको रोस्ट किया है। अब हम मैशर से इनको अच्छे से मैश कर देंगे। ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गले हुए हैं, तो कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं। वैसे आप चाहें तो इसे मिक्सी के अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही सारे टमाटर हमने अच्छे से मैश कर लिए, और ये अभी काफ़ी हद तक गर्म ही है, क्योंकि गर्म टमाटर जो है वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। इन्हें मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब बनाते हैं बढ़िया सी सॉस। कोई बाजार की सॉस की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच मक्खन डालेंगे, उसमें 1 चम्मच के लगभग लहसुन को चॉप करके डालेंगे। लहसुन तो इस समय आप जितना डालेंगे उतना अच्छा है। जब लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन होने लगेगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा प्याज बारीक काट के डाल देंगे। ये वाली सॉस तो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नमक हमने सब्जियों में भी डाला है, तो ज़्यादा नहीं डालना है। अब जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो जो हमने टमाटर को अच्छे से मैश करके रखा है वो हम डाल देंगे और अलट पलट करेंगे। इस समय मैंने अच्छे से कलर के लिए इसमें 1/2 चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और साथ में डाल देंगे हम दूसरी सीक्रेट चीज़ अपनी, 1.5 से 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप। इसी से तो बच्चों को हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है ना, तो उन्हें हर चीज़ ऐसे लगती है कि उन्होंने बाजार से मंगा कर खिलाई है। तो आज हम उनको ऐसा ही बढ़िया सा नाश्ता कराएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली में हम कल कहीं गए तो उस चक्कर में मैंने जो खाना बनाया ना वो यूं ही बना रह गया, तो मेरे पास बहुत सारी रोटियाँ बच गई थी। तो मैंने कहा चलो बची हुई रोटी से आज एक बहुत बढ़िया नाश्ता बना के खिला दें, और वो रोटी भी वेस्ट नहीं होगी और बच्चों को अच्छी भी लगेगी। ये देखिए ठंडी होने के बाद सॉस कुछ इस तरह लगेगी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं।
ये देखिए 7-8 रोटियां पूरी बच गई थी। अब इतनी रोटियां फेंकी तो जाती नहीं, आजकल आपको पता ही आटा कितना महंगा है, तो इससे हम बहुत बढ़िया नाश्ता तैयार कर सकते हैं। अब सारा काम हमारा तैयार है, बस उसको सेट करना है। तो मैंने फ्राइंग पैन में हल्का सा बटर का ब्रश से करके और उसके ऊपर एक रोटी रख दी, उसके ऊपर हम जो हमने सॉस बनाई है वो फैला देंगे। कोई नमक मिर्च मसाले अब हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब चीज़ हमने सारी फिलिंग और सॉस के अंदर डाल दी है। अब जो हमने अपना फिलिंग बना के रखी थी वो अच्छी तरह से हम फैला देंगे। ज़्यादा हमें किनारों तक नहीं फैलानी, क्योंकि अभी जब चीज़ मेल्ट होके आएगा ना तो किनारों से बाहर निकलने लगेगा, जिससे रोटी अच्छे से नहीं सिकेगी। अब एक दूसरी रोटी से हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही ये एक साइड से तैयार हो जाएगी। तब हम इसे पलट देंगे और जो सिकी हुई साइड है उसके ऊपर हम बटर लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से वो हमारी सॉस बनाकर जो रखी है वो लगा देंगे। उस सॉस के ऊपर हम फिर से फिलिंग लगा देंगे। हो गया ना हमारा रोटी पिज्जा तैयार। इसको आप रोटिज्जा कह सकते हैं। बाज़ार में ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, आजकल बाज़ार में भी मिलता है ये, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आया है। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए अगर आप ज़रा सी भी ज़्यादा फिलिंग डालेंगे ना तो वो इस तरह किनारे से निकलेगी, लेकिन ये तो ज़्यादा नहीं निकली क्योंकि अच्छे से हमने अंदर तक ही बस फिलिंग भरी थी। इस तरह हम ढककर इसे 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। अभी दोनों साइड से काफ़ी कुरकुरा हो गया है, बस इसको किसी भी चाकू से काटिए और बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए। बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। जो हमारी बची रोटियां थी उनका इस्तेमाल भी हो गया और बच्चों को ये इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि सुपर चीज़ी है, बिल्कुल पिज़्ज़ा को मात करता हुआ इसका टेस्ट है। ये देखिए मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ अंदर से, कितना सारा चीज़ देखिए इसके अंदर भरा हुआ है और ये वाकई चीज़ स्ट्रेच भी होगा। ये देखिए स्ट्रेच भी हो रहा है ना। तो रेसिपी तो आप सबको पसंद आई होगी, तो जल्दी से अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे।